एक बार फिर सरकारा वालों बेअदबी कांड सुनारही बंदी सिंह की रिहाई वर्गे मुद्दे लाए लगामा टपाने की कोशिश की जा रही है तो इसके दस किस तरह लैके भी सरकारों का रवैया इस तरह का है। हुण किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों केंद्र सरकार वालों अजे तक भी पूरी ना कीतियां गईयां मंगां नूं अपना संघर्ष विध दिता गया है। बीते दिन पंजाब भर के 12 जिलों के 3 घंटे दे रही रेलवे लाइना का चक्का जाम किया गया अते किसान आगुआं वालों अपनी मंगां नूं लैके अपने संघर्ष नूं होर तिखा करन दी चेतावनी भी दित्ती गई। अज बटाला रेलवे लाइन से पक्का जाम शुरू हो गया है जिथे पक्के तौर पर मोर्चे किसानों वालों लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। किसान आगुआं वालों आख्या गया है कि जो मंगां केंद्र सरकार वालों किसानी मोर्चे नूं खत्म करन दे वेले मन्नियां गईयां सन असीं पूरियां नहीं होईयां, चाहे वह एमएसपी की गल हो, चाहे वह बिजली सोध बिल 2020 के खरड़े नूं रद्द करन दी गल हो, जां फिर किसानों के उपर देश भर के विच जो परचे दर्ज होए उन्होंने रद्द करन दी गल हो, अजे तक जिहड़ी इह सारियां मंगां ने वह बाकी पईयां ने अते इन्हां मंगां नूं जल्द तो जल्द पूरा किया जाना चाहिए। खास तौर से लखीमपुर खेल हिंसा मामले के आशीष मिश्रा नूं जमानत तो उस तों बाद रिहा किए जाने के फैसले से किसानों के सख्त रोस देखने मिल रहा है। एक बार फिर तो यह जाप रहा है कि किसानों वालों किसी बड़े संघर्ष की तैयारी की जा सकती है। इस मौके पर किसान आगू सरवर सिंह पंधेर वालों आख्या गया है कि इस नाल ही भारत माल योजना के तहत जो हाईवे बनाए जा रहे हैं उन्होंने तहत किसानों मुआवजे दिए जबरी उन्होंने जमीन से कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध ही बटाला रेलवे लाइन जाम करने का प्रोग्राम उलीकिया गया है, जिस नाल ही जो बाकी मंगा ने उन्होंने लिए भी उन्होंने वालों आवाज बुलाई जा रही है। जिक्रयोग है कि 29 तरीक न ही साल 2021 तरीक न ही सिंघू बॉर्डर से जेकर गल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी लग्या उसके उपर हमला किया जाता है। इसके विरोध के उन्होंने जो हमलावर ने जो मुलजम ने उन्होंने खिलाफ बनती कार्रवाई की मांग करते हुए ये जो धरना है जो चक्का जाम है वह किसानों वालों लगाया गया। जिक्रयोग है कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के 29 जनवरी 2021 जो स्टेज लगी हुई थी उसके उपर हमला होया सी, जिस हमले के कई जड़े किसान जख्मी भी हुए सन। उन्होंने हमलावर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग हजे तक भी किसानों वालों की जा रही है, पर सरकार वालों कोई भी कार्रवाई इस मुद्दे की बाबत नहीं की गई। इस नाल ही किसानों वालों होना जो अपने मसले ने चाहे वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के बेकसूर किसानों रिहा किए जाने की मांग हो, फिर पंजाब सरकार वालों ऐलानिया गन्ने का भा जरा है 380 रुपए के हिसाब न दिते जाने की मांग हो, जां फिर इस नाल ही जो सनअती इकाइया ने उन्हां वालों किए जा रहे हवा से पानी प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग हो। तमाम जो मुद्दे ने चाहे वह वातावरण के जुड़े हुए ने किसानी के नाल जुड़े हुए ने जां फिर जो पहला दियां मंगां रहिंदियां ने किसानां दियां उन्हां दे नाल जुड़े होण, उसनूं लैके ही ये जो रेल रोको का प्रोग्राम है वह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों दिता गया। बटाला दे विच अज तो पक्के तौर पर रेलवे लाइन का चक्का जाम शुरू कर दिता गया है। इस नाल ये भी इत्थे जानकारी सांझी कर दिए कि बीते दिनी जीन दे विच होई किसान महापंचायत के दौरान भी किसानों वालों अपनियां बाकी मंगां जो रहिंदियां ने उन्हां नूं लैके अगे जिहड़ा है संघर्ष नूं तिखा करन की चेतावनी भी दिती गई सी। इस मौके सिंह पंधेर वालों बटाला दे विच लगे रेल लाइन चक्का जाम बारे की कुछ जानकारी दी गई है, आओ सुनांदे हां। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो असीं बटाला रेल स्टेशन तो बोल रहे हैं जी। इस वेले जड़ा थोनू पता पूरे पंजाब दे विच असी रेलां जाम 3 घंटे लई कीतियां सी केंद्र ते पंजाब दियां मंगां नूं लैके, जिन्हां विच जड़ा दिल्ली ते हमला होया सी एमएसपी गरंटी कानून और इहदों गाहां जड़ा आशीष मिश्रा नूं छड्डिया गया सीगा उस मसले नूं लैके और होर WTO तो जिवें भारत बाहर आवे होर मंगां सीगियां साडियां। आ बटाला रेल ट्रैक क्यों जाम किया भी इत्थे जड़ियां भारत माला योजना तहत सड़कां निकल रही वा, एक तो ऊना अमृतसर वे आ एक जड़ा जम्मू कटरा हाईवे आ, तो वह 2-3 सड़कां दा मुआवजा हजे दिता नहीं किसानां नूं, उन्हां दे अवार्ड देण विच वड्डी हेरा फेरी रिश्वतखोरी लई गई आ। नाल दे किले वाले का 32 लाख आ तो उहदे नाल दे वाले का 1.5 करोड़ आ। हुण उत्थे अफसरां ने सियासतदानां ने मिल के वड्डी कबलेबाजी कीती आ ते
ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਦੂਜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 40-42 ਦਿਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਗਿਆ ਵਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਗੰਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਆਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਨਾ ਬਣ ਰਹੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1000 ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੰਨਾ ਵੰਡ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਨੇ ਕੈਲੰਡਰ, ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਟਰਾਲੀ ਇੱਧੋਂ ਲਾਈ ਇੱਧੋਂ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਊਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਆਊਟ ਦਾ ਗੰਨਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਗੰਨਾ, ਗੇੜ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਵਾਂਡ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੰਨਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 280 ਰੁਪਏ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਗੰਨਾ ਆ ਕੇ ਪੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਪੁਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਸਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ 500 ਮੀਟਰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ।